कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाली 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन 2 अनाउंस होने के बाद से लोगों के सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के बढ़ जाने से मजदूरों और डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी को लेकर बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी चिंता जताई है। फैशन डिजाइनर फराह खान ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो लघु उद्योगों के लिए किए जाने वाले ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, लॉकडाउन को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन छोटी और मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद के लिए सरकार की ओर से होने वाले ऐलान का इंतजार है। कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि किसी को नौकरी से मत निकालो, लेकिन जब किसी के पास फंड्स ही नहीं होंगे तो फिर मैनेज कैसे होगा। साथ ही उन्होंने अपील की है और कहा है कि मोदी जी इस ओर भी अनाउंसमेंट करें। वहीं फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि इस समय में आप खुद को काफी बदल सकते हैं। उन्होंने अपने फैन से कहा है कि वो अपना वजन कम कर सकते हैं और पहले से ज्यादा फिट हो सकते हैं। वहीं वो खाना बनाना भी सीख सकते हैं। इसी के साथ विवेक अग्निहोत्री ने अपने फैंस को कई और सलाह भी दी है, जिससे वो इस लॉकडाउन में खुद को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं कमाल आर खान ने पीएम मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में कमाल आर खान ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर गरीबों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से सवाल किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जो अच्छा है, लेकिन एक बार फिर मोदी जी ने ये नहीं बताया है कि जो लोग लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं वो लोग बिना पैसे के जिंदा कैसे रहेंगे। कमाल आर खान ने आगे लिखा, इन लोगों को अपने घरों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, वरना बहुत से लोग बिना खाने के मर जाएंगे। कमाल आर खान के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक्टर कमाल आर खान आए दिन कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उनका ये ट्वीट भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने कहा है कि उनका सपना था कि सभी समस्याएं मई तक ठीक हो जाएं और अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ जाने से उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा सपना था कि मई में हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सपना सच हो जाए। उन्होंने आगे लिखा, लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, हम मजबूत बने रहेंगे, प्लीज घर पर रहें और क्वारंटीन फॉलो करें। उन सभी लोगों को मेरा सैल्यूट जो इस महामारी से लड़ रहे हैं। वहीं रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका छिगलिया ने भी देश के नाम एक वीडियो जारी किया है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। हमारे प्रधानमंत्री ने टीवी के माध्यम से कुछ बातें हमें कही जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन कठिन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बात इसलिए हुई है क्योंकि हम लोग अभी भी बेवजह बाहर निकलते हैं या कोई बहाने से बाहर निकलते हैं जो हमें बंद कर देना चाहिए। हमें हमारी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बाहर बेवजह निकलना बंद करेंगे तो ये कोरोना वायरस जल्दी से कंट्रोल में भी आ जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि अब एक्सटेंड हुआ है लॉकडाउन और 3 मई तक है। यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि कोरोना वायरस उतना कंट्रोल में नहीं आया है जितना सोचा गया था। देश में कोरोना वायरस को लेकर बिगड़ते हालातों को देखते हुए नव भारत टाइम्स भी यही कहता है कि आप सभी अपनी सुरक्षा करें, घरों के अंदर रहें और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।